सलाम दोस्तों, सोल एयरपोर्ट पे हूँ और अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट जो है वो मिस हो चुकी है, एक्चुअली हो जाएगी इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। उसकी वजह ये है कि मेरा वीज़ा टाइम पे नहीं आया। अबाउट अ वीक अगो मैंने चेक किया था, वियतनाम के लिए वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे। रिसेंटली अभी उन्होंने चेंज करा, तो कल मैंने सोचा कि यार दोबारा चेक कर लेता हूँ, आज की फ़्लाइट है। तो चेक किया तो रूल्स चेंज हो गए और फ्लाइट रिक्वायरमेंट थी। तो लेसन लर्न के बार बार आप चेक करें कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। इवन दो कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट कुछ कंट्रीज़ अभी भी पॉलिसी चेंज करते जा रहे हैं। वियतनाम में अभी केसेस बढ़ गए हैं, तो उन्होंने भी रिसेंटली पॉलिसी चेंज करते, उन्होंने कहा कि अभी आप ये फ़्लाइट तो नहीं ले सकते। तो लेट्स सी, अब वीज़ा का वेट करता हूँ। इट कुड टेक 3 to 5 days जो उनका प्रोसेसिंग टाइम है। सुबह वीज़ा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आ जाता हूँ, देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि होटल से चेकआउट भी करना था, चेकआउट कर लिया। अब यही होगा कि अगर वीज़ा नहीं आया आज के दिन, तो फिर दोबारा किसी होटल में स्टे करना पड़ेगा, ये देखें कोई और ऑप्शन देखता हूँ। तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। आप लोग अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने रिक्वायरमेंट्स चेक करी हैं, तो क्लोजर टू डेट अगेन चेक करें। आई थॉट अ वीक इज़ क्लोज इनफ, बट कभी कभार एक वीक भी के अंदर भी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। एनी वेज गाइस, इट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, ऐसा होता रहता है। ये भी एक एडवेंचर है, तो मैं इससे इतना स्ट्रेस नहीं होता। देखें जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑलराइट गाइस, सी यू।